अच्छा आप सबको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जन्नत, अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, आप में से किसे पता है तो बताओ कि अब हम जो बात कर रहे हैं ये टाइम पर, इस टाइम पर जन्नत तैयार है या नहीं तैयार? तैयार है, तैयार है, तैयार है, अभी से तैयार है कि कयामत के दिन तैयार होगी? तैयार है, अभी से तैयार है, अभी से तैयार है। सही जवाब क्या है? अभी से तैयार है। कोई बात नहीं, सही जवाब क्या है? अभी याद रखो, अभी से तैयार है जन्नत, अभी से तैयार, रेडी है, रेडी। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जाएंगे, कयामत के दिन हिसाब हिसाब होगा, हिसाब होने के बाद जाके देखेंगे जन्नत कहाँ है तो बोले अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ ऐसे नहीं होने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, जल्दी करो अपने रब से मगफिरत हासिल करने में, जल्दी करो अपने रब से मगफिरत हासिल करने में। वह जन्नतिन अर्ध समावात वल अर्ध, और एक ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन जितनी है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जो अल्लाह ने तैयार किया है तकवे वालों के लिए, डरने वालों के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वो इद्दत तैयार कर रखा है, अल्लाह ताला ने रेडी करके रखा है। किसके लिए? तकवे वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। तो आप लोग जल्दी करेंगे नहीं करेंगे नेक काम करने में? करेंगे। नेक काम करने में लेट करना चाहिए कि जल्दी करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए। नेक काम करने में सोचेंगे हम लोग बाद में नेक काम करेंगे। हाँ अभी आप 80 के हैं, बोले मैं 80 के होके नेक काम करूंगी। हाँ जल्दी करेंगे लेट करेंगे? जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे लेट करेंगे? जल्दी करेंगे। क्यों जल्दी करेंगे? हाँ अगर हम लोग पहले कभी मर गए तो? बिल्कुल सही जवाब दी, माशाल्लाह बारकल्ला, बिल्कुल सही जवाब, कभी मर गए तो। हाँ और बताओ क्यों लेट नहीं करना चाहिए? कभी भी अच्छे काम में लेट नहीं करना, लेट नहीं करना चाहिए। हाँ क्या आया इस आयत में? सारे ओ जल्दी करो, किस चीज में जल्दी करो? अल्लाह की मगफिरत हासिल करने में, और एक ऐसी जन्नत हासिल करने में। साइज कितनी जन्नत की? आसमान से जमीन तक चौड़ी। आपने देखा आसमान? देखा आसमान? हाँ। ये जो आसमान दिख रहा है ना, ये दुनिया का आसमान है, इसके ऊपर और बहुत सारे ऊपर 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 आसमान है। और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कायनात बनाया है, बहुत बड़ी दुनिया बनाया, और ये आसमान से जमीन तक का जितना गैप है ना, ये जन्नत की साइज है। मतलब आपको जो जन्नत मिलेगी, छोटा सा कमरा मिलेगा, छोटा सा रूम। देखा आपने छोटा सा कोई रूम देखा है कभी? हाँ। छोटा सा रूम नहीं मिलने वाला है जन्नत में, कि जन्नत में छोटा सा रूम है आपका, इतनी साइज का है कि साइज में हाथ खींचो तो हाथ दीवार पर लग गया, ऐसा नहीं होने वाला। जन्नत कितनी बड़ी है? अर्धुहा समावात वल अर्ध। हां अर्धुहा समावात वल अर्ध, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन। हां माशाल्लाह बिल्कुल सही, जिसकी चौड़ाई आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के बीच का जो गैप है वो है जन्नत। और साइज तो हमने देखा, क्वालिटी क्या है? साइज है एक चीज और क्वालिटी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज होती है बहुत खराब क्वालिटी की होती है लेकिन बहुत सारी होती है, और कोई चीज होती है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है। जैसे रेती, रेती बहुत ज्यादा है कि सोना ज्यादा है? रेती मालूम है, रेती। सैंड? हाँ सैंड ज्यादा है कि सोना ज्यादा है? सैंड। सैंड बहुत सारा है ना, सोना कम है ना, क्योंकि सोना चमक रहा है, अच्छा खूबसूरत सा मेटल है, बहुत कम मिलता है। और रेती क्या है? बहुत सारी मिलती है। तो जन्नत कैसी है? बड़ी भी है और अच्छी भी है। कितनी? आपने देखा ना हदीस, मैंने बताया था, कौन सी हदीस बताया था, कौन बताएगा? आसमान से जमीन। नहीं मैंने एक हदीस बताया था उसकी क्वालिटी के बारे में, कि जन्नत में एक एक जगह एक चाबुक, चाबुक के रखने की जगह उससे भी अच्छी है जन्नत। चाबुक रखने की जगह जन्नत में क्या चीज से अच्छी है? पूरी दुनिया और दुनिया में सारी चीजें जो है उससे बहुत अच्छी है। एक चाबुक रखने की जगह, अगर आपको एक पांव भी रखने मिल गया ना जन्नत में, तो ये दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बहुत अच्छी है। और लेकिन जन्नत में सिर्फ एक पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, आपको कितनी जगह मिलेगी? वहां पहुंच जाओ तो अर्धुहस समावात वाला अर्ध है ना, अर्धुहस समावात वाला अर्ध। मेरे बच्चों ऐसी जगह के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलने वाली। हाँ और कोशिश करेंगे तो यकीनन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ तो अब जब वक्त है, इस वक्त को जाने नहीं देना। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर
कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।